हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। गाइस, मैं सबसे पहले बोलूंगी वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और स्पेशली जो अभी दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो जून में एग्जाम देंगे, जून 2025 में। तो यस, दिस वीडियो इज फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट जिनके अभी एग्जाम्स हैं और जिनको बहुत डर लग रहा है कि मैम इतना सारा सिलेबस है, इतने इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे हम प्रिपेयर करें। तो मैं आपको बता रही हूँ जो कंटेंट आपको एमईपीएल क्लासेस से मिलेगा, अगर आप उतना करते हो आपका क्वालिटी एडुकेशन होने वाला है, आपका क्वालिटी प्रिपरेशन होने वाला है। और देखो, आईसीएसआई ना अब क्वालिटी कंटेंट मांगता है। आपको अपने आंसर में टेक्निकल वर्ड्स, लैंग्वेज, केस लॉ सब पे फोकस करना होगा। मतलब अगर आप सोचोगे कि आप बिल्कुल केस लॉ ना लिखें, कुछ भी सेक्शन पुट ना करें, तो ऑब्वियसली इससे आपके मार्क्स काफी कम हो सकते हैं। तो कैसा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, आप कैसे चैप्टर प्रिपेयर करो, ये सब हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो आप एमईपीएल क्लासेस एंड मोहित अग्रवाल चैनल दोनों को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वीडियोज है, सब इसी चैनल पर आएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने मिस की थी तो, कि अभी हाल में ही हमने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मिशन लिया है। सारे सब्जेक्ट का मिशन सेशन रखा गया। दिव्या मैम ने बहुत ही रीसेंट एसबीआईएल का भी मिशन लिया था, तो वो सारा सेशन चैनल पर ही है, बिल्कुल चैनल पर है, हमने बिल्कुल डिलीट नहीं किया है। आप जल्दी से जाकर वो सारा मिशन का सेशन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही थोड़े से टाइम में, बहुत ही कम ड्यूरेशन में एक बड़ा चैप्टर हम प्रिपेयर करने वाले जो लगभग 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में आता है। मैम जल्दी से बताइए, वेट नहीं हो रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्यों हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, व्हाट इज द नीड, व्हाट आर देयर फंक्शंस, क्या क्या उनका काम है। तो जैसे हमने आरटीए एक्ट किया था बहुत कम टाइम पर, वैसे आपको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कराऊंगी बहुत कम ड्यूरेशन पर। देखो, ये सब ना बस आपके लिए और आपके एग्जाम्स अच्छे हो सके, आप पैनिक ना करो, स्ट्रेस में ना हो, इसीलिए। चाहे आप एमईपीएल से जुड़े थे पहले या नहीं जुड़े थे, डजंट मैटर, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ये सारा सेशन सब कर सकते हैं। तो इसलिए मिशन भी हमने सबके लिए ओपन रखा, सब इसका फायदा उठाओ। और हाँ, खुद करो तो बाकियों को भी शेयर करो। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनका कोई चैप्टर मिस हो गया, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, डजेंट मैटर, बहुत कुछ मिस हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, अभी तक बैकअप पड़ा है, मैम अब कब बैकअप करें, दिसंबर में एग्जाम है। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट आप सारा मिशन सेशन कीजिए। आप जाइए एमईपीएल क्लासेस के प्लेलिस्ट में, आपको मिशन नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें हर सब्जेक्ट का मिशन का प्लेलिस्ट है। तो सारा सेशन कर लो, चाहे आपका चैप्टर हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको 99% ये बात बोल सकती हूँ कि आप एकदम मिशन करके ही वो चैप्टर आराम से तैयार कर सकते हो, क्योंकि अब देखो अब बहुत कम टाइम बाकी है ना, हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो अभी पूरा बैकअप और रिकॉर्डिंग करना ऑब्वियसली एक ह्यूमन बींग के लिए तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट है। और जेआईजीएल तो तुम्हारा पहला ही पेपर है, तो तुमको तो इसको पहले से तैयार करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अब बाकी बैकलॉग्स क्लियर वगैरह करने का मोटिव मत रखो, अब अपना फोकस रखो कि आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे करना है। मैं रेगुलर बैच में भी बताती हूँ कि प्रोफेशनल में वही रैंक लाते हैं, वही ग्रुप्स क्लियर करते हैं, वही एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट होती है। और मैं आपको ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी ना टाइम टू टाइम, आपको मजा आ जाएगा। इसी चैनल पर हमने कुछ वीडियो शेयर किए हाउ टू सिक्योर एग्जेम्पशन इन जेआईजीएल, वो भी आप करो, है ना। जेआईजीएल आपको कैसे तैयार करना है वो भी करो, एग्जीक्यूटिव की तैयारी कैसे करें वो भी करो। तो सारा वीडियोज वगैरह देखते रहो, और मैं यही बोलूंगी स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम अस। आपका एग्जाम के पहले तक हम लोग हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं, तो बस बने रहिए चैनल पर और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। और ये चैप्टर आपको इस वीडियो से कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारी चैप्टर की। बहुत ह्यूज चैप्टर नहीं है, बट काफी अच्छा खासा मार्क्स वेटेज इसका रहता है, लगभग 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आता है, बट 4 से 6 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो ये क्यों आया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया, हम लोग सबसे पहले इस बात पे ध्यान देंगे, ये आया ताकि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनका पावर, फंक्शन, ड्यूटी डिटरमाइन कर सके। तो ये क्यों आया, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का पावर, फंक्शन, ड्यूटी डिटरमाइन कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ लॉ। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट इज द ब्रांच ऑफ लॉ जो किसके साथ डील करता है, विद पावर, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ वेरियस ऑर्गेन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो भी वेरियस ऑर्गेन है, मतलब कि गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेन है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनका क्या पावर होगा, क्या फंक्शन होगा, क्या ड्यूटीज होगा,
ब्रांच ऑफ लॉ है एक जो बताता है, और उस ब्रांच ऑफ लॉ का क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ब्रांच है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ब्रांच है, उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ये मेक श्योर करता है कि ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं, वो उनके साथ फेयरली काम करें। तो आज जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उनका देखभाल करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनकी ड्यूटीज़ बताने के लिए, पावर बताने के लिए कौन आया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नीड। अब बात आती है सिंपल सी, आपको इसमें बहुत सिंपल बात लिखना है कि हमें क्यों जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या अथॉरिटी की। ऑलरेडी वी हैव लेजिस्लेटिव, ऑलरेडी वी हैव जुडिशियरी, हम इन दोनों से ही करा लेते, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं करवा सकते थे, क्योंकि लेजिस्लेटिव से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का काम कराते वो बहुत लेंदी होता, क्वालिटी नहीं होता, एक्सपेंसिव होता। तुम सोचो, तुम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है जिनको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं, उसको बोलते तुम पुलिस वाला काम करो, तुम एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करो, नहीं पॉसिबल था। और अगर कोर्ट को बोलते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो भी पॉसिबल नहीं था, डिले होता, डायलेटरी होता, एक्सपेंसिव होता और बहुत टेक्निकल होता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग बनाया और इस गैप को फिल किया। तो नीड हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब जितनी भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो क्या क्या कर सकती है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्टर द लॉ। जितने भी इंडिया में लॉ है सबको एडमिनिस्टर करना, एग्जीक्यूट करना इसका काम है, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बोलते हैं। तो इसका क्या काम है, एग्जीक्यूट एंड एडमिनिस्टर द लॉ, पहला। दूसरा, ये पॉलिसी बनाती है, ये क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। और तीसरा, ये लेजिस्लेटिव पावर भी एक्सरसाइज करती है, मतलब ये लॉ बनाती है क्या, एग्जैक्ट एक्ट तो नहीं बनाती है, बट बाय लॉ, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन ये जरूर प्रिस्क्राइब करती है। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट भी बनाया है, MEI, MEI, है ना। एम से क्या, मेक पॉलिसी, ए से एग्जीक्यूट एंड एडमिनिस्टर द लॉ, एंड आई से इशू रूल्स, बाय लॉ, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। क्लियर है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये लॉ लाने के पीछे क्या रीजन था, अथॉरिटी क्यों लाए वो पता चल गया, लॉ क्यों लाए, ताकि जो भी इंडिविजुअल का कंप्लेन हो, ग्रेवियंसेज हो अगेंस्ट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उसको कोई सुनने वाला हो। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बना दिए, वो लोग भी तो करप्शन कर सकते हैं, तो उसका अगर कोई कंप्लेन हो तो उसको सुनवाई करने वाला एक एक्ट होना चाहिए, लोगों के भले के लिए बनाए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का पावर अब्यूज ना हो, क्योंकि उसको पता रहे कि मेरे ऊपर कौन है, लॉ है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। क्यों आया, फॉर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ग्रेवियंसेज ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का पावर अब्यूज ना हो, इसलिए आया। इज इट क्लियर, क्लियर। चलो, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ये कहाँ कहाँ से आता है, मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके लिए लॉ है, सबके लिए अलग अलग है। जैसे सेबी है तो सेबी का एक्ट है ना, आरबीआई, आरबीआई एक्ट है, सीसीआई है, कंपटीशन एक्ट है। तो ये लॉ कहाँ से आते हैं, सबसे पहले लॉ बनाने का पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए लॉ बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आर्टिकल 72 के तहत। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी सोर्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स, है ना। तो आर्टिकल 73 है जो बोलता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो मतलब बेसिकली पार्लियामेंट जो है, वो क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए। दूसरा, एक्ट एंड स्टैट्यूट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बेसिकली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लोग एक्ट पास कर सकते हैं, है ना, फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर सोशल ग्रोथ, ये सब। तो दो सोर्स अभी तक पढ़े, एक पढ़े हम लोग क्या, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 73, और एक पढ़े हम लोग क्या, एक्ट्स एंड स्टैट्यूट। तीसरा, ऑर्डिनेंस, बायलॉ, नोटिफिकेशन, ये सब। तो बोलते हैं जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, एंड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग पूरा पूरा लॉ लेकर आए, बहुत कम टाइम है, तो बोलता है कि कुछ ऑर्डिनेंस, बायलॉ, नोटिफिकेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी लेके आ सकती है। तो जो MEI था, MEI, उसका आई यही था ना, इशू, बायलॉ, है ना, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी एक तरीके से लॉ लाती है। तो एक तो पार्लियामेंट ला सकता है एक्ट के थ्रू, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है, तीसरा बायलॉ, नोटिफिकेशन, ये सब, है ना। नेक्स्ट, जुडिशियल डिसीजन। चार सोर्स है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा एक्ट एंड स्टैट्यूट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लाते हैं, तीसरा ऑर्डिनेंस, बायलॉ, नोटिफिकेशन, एंड फोर्थ जुडिशियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट या जितने भी कोर्ट है वो डिस्प्यूट सेटल करते हैं, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना। तो जुडिशियल डिसीजन होते हैं जो कोर्ट देता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो डिसीजन देते हैं ना, कहीं वो डिसीजन के थ्रू लॉ बना देते हैं। तो वही बोलते हैं कोर्ट थ्रू देयर डिसीजन,
ले डाउन द लेजिस्लेचर पावर, ले डाउन द वेरियस लॉ रेगुलेशन. तो वहां से भी क्या आया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया. देर आर फोर सोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, बायलॉ, नोटिफिकेशन, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी खुद भी ला सकता है. एंड फोर्थ इज जुडिशियल डिसीजन. इजी इजी, एकदम अच्छे से पढ़ो. मैं आपको बता रही हूँ ये चैप्टर बहुत इजी है. अगर आप अच्छे से करोगे एकदम आराम से आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा. समझ रहे हो? चलिए अब रूल ऑफ लॉ. एवी डाइसे बोल के एक बहुत बड़े लॉ के एक्सपर्ट थे, है ना. ये इन्होंने कुछ रूल ऑफ लॉ बताया. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? कोई ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है. लॉ रूल करता है. कोई भी गवर्नमेंट किसी कंट्री का फंक्शन डिसाइड नहीं करती है, लॉ डिसाइड करता है. कौन डिसाइड करता है? लॉ डिसाइड करता है. यस. तो एवी डाइसे ने रूल ऑफ लॉ में क्या बोला? जो बातें मैंने आपको हिंदी में बोली वही बोला. गवर्नमेंट शुड बी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ. गवर्नमेंट को गवर्न कौन करेगा? लॉ करेगा. कंट्री शुड फॉलो लीगैलिटी ऑफ द लॉ. कंट्री को लॉ फॉलो करना है. कोई भी डिक्टेटर, कोई भी मोनार्क, वो किसी कंट्री का फंक्शन डिसाइड नहीं करेगा. हु विल डिसाइड द फंक्शन ऑफ द कंट्री? लॉ. तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ. इन्होंने तीन प्रिंसिपल दिए. इन्होंने बोला सुपरमेसी ऑफ द लॉ. अबव ऑल, अबव एवरीथिंग देयर इज लॉ. लॉ शैल रिमेन सुप्रीम. तुमको इसमें यह बात याद रखना है कि सबसे ऊपर कौन होगा? लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ. एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ. ये लिख देना, ऑल क्लासेज आर इक्वल, है ना. तो एक हो गया सुपरमेसी ऑफ लॉ, एक इक्वालिटी, एक प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, है ना. तो जो भी जजमेंट वगैरह आएगा, जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स वगैरह आएगा डिस्प्यूट वगैरह में, उसमें लीगल स्पिरिट होना चाहिए. मतलब वो लॉ को बाइंड करना चाहिए. क्लियर है? क्या इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिल्कुल है. तीन तरीके से पता चलता है, हमारे प्रीएम्बल से, जो बताता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी देता है. ठीक. तो पहला हो गया प्रीएम्बल. दूसरा फंडामेंटल राइट, जिसकी बात पार्ट थ्री में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया के लोगों के लिए है. तो बोलते हैं कि अगर हमें कोई भी एक्शन लेना है तो हम ले सकते हैं अगेंस्ट द अथॉरिटी, अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होगा. तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए, बट ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में. मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा तो हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं. और इसका जिक्र पार्ट फोर में किया गया. तो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन तीनों को पढ़ के क्या समझ आया? इन तीनों को पढ़ के समझ आया सबसे ऊपर लॉ है, है ना. अगर हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएंगे, जिसमें रिट वगैरह पास होते हैं. नेक्स्ट, एक केस है फेमस, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस ठाकुर भरत सिंह. क्या हुआ? मध्य प्रदेश का एक एक्ट था, एमपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट. वो ना मजिस्ट्रेट को बहुत पावर दे रहा था, डिस्क्रेशनरी पावर. व्हाट इज डिस्क्रेशनरी पावर? फ्रीडम टू टेक डिसीजन. व्हाट इज डिस्क्रेशनरी पावर? फ्रीडम टू टेक डिसीजन. तो मजिस्ट्रेट को ये डिस्क्रेशनरी पावर दे रहा था, लेकिन कोई लॉ नहीं था, विदाउट लॉ बहुत पावर दे दिया. तो मजिस्ट्रेट को जो मन डिसीजन ले ले. तो बोला ये नहीं होना चाहिए. तो बोला गवर्नमेंट भी क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए भी, देयर इज लॉ, वो जो उसको फॉलो करना पड़ेगा. और गवर्नमेंट का हर काम शुड बी गवर्न्ड बाय द लॉ. तो हम लोग जो ये मजिस्ट्रेट को इतना पावर दिए विदाउट मेकिंग लॉ, विदाउट एनी सेफगार्ड, ये हमने सही नहीं किया. तो उस एक्ट को फिर बाद में क्या किया गया? अमेंड किया गया. क्लियर है? वैसे ये केस लॉ हुआ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये भी बहुत फेमस है. अगर हमारा कोई भी आर्टिकल है या कोई भी लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनेगा, तो वो आर्टिकल या वो लॉ क्या माना जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वही लिखा है. तो ये भी रूल ऑफ लॉ है. पक्का क्लियर है? अब हम आ गए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में. व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन? अभी बताई, पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या फ्रीडम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. ऐसा क्यों? क्योंकि आज बहुत सारा सिचुएशन होगा, हर चीज के लिए हम लॉ पहले से बना के नहीं रख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऐसे काम करना, ऐसे काम करना, ऐसे काम करना. इस तीन के अलावा कोई और सिचुएशन हो गया, वो क्या करेगा? लॉ का मुंह देखेगा? नहीं, कुछ फ्रीडम होना चाहिए कि वो दिमाग लगाकर डिसीजन ले सके. तो इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू चूज अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव. बट ये डिस्क्रिशन, मतलब ये जो फ्रीडम है ये तुमको अप्लाई करना है, दैट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, वेग और फैंसीफुल. मतलब ये जो तुम्हारा डिसीजन का फ्रीडम है, ये वेग नहीं होना चाहिए, फैंसीफुल और आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. तुमको ये डिस्क्रेशनरी पावर यूज करना है इन द राइट डायरेक्शन.
क्लियर है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? कोर्ट करता है ये. कौन करता है? कोर्ट. क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के काम को चेक करना कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं. दैट्स इट. बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है. वॉट इज जुडिशियल रिव्यू? बिगेस्ट चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज जुडिशियल रिव्यू. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को सबसे बड़ा डर जिससे लगता है वो यही है, जुडिशियल रिव्यू. इट इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर एक्ट्स ऑफ अथॉरिटी वॉइड एंड इनवैलिड. बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का एक्ट को, उसके काम को वॉइड या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है कौन? कोर्ट कर सकता है. अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, अगर वो किसी लॉ को वॉयलेट करता है, तो ये पावर जुडिशियल रिव्यू का पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया. ठीक है, क्लियर है. बोलता है कोर्ट अथॉरिटी के, कौन सी अथॉरिटी? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. बोलता है कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के डिस्क्रिशनरी पावर के अगेंस्ट नहीं है, उसके मिसयूज के अगेंस्ट है, उसके अब्यूज के अगेंस्ट है, उसके आर्बिट्रेरी के अगेंस्ट है. क्लियर है. इसके भी कुछ केसेस आए, किसके? जुडिशियल रिव्यू के. किसके? जुडिशियल रिव्यू के. क्या केस लॉ आया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस सेंटर फॉर एविएशन पॉलिसी. इसमें यही बोला गया कि अब कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना काम अच्छे से कर रहा है तो बेमतलब का भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. अगर कोर्ट ऐसा इंटरफेयर करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस इंटरफेरेंस को इनवैलिड बोलेगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही किया था, एक कोर्ट था जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के काम में बार बार इंटरफेरेंस कर रहा था, तो ये गलत है. जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का डिस्क्रिशनरी पावर आर बीइंग यूज्ड इन अब्यूज्ड, मिसयूज्ड और यूज्ड इन आर्बिट्रेरी मैनर, तब तक आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो. ठीक है, चलिए. अब जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट जो ये काम चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, वो कितने स्टेज पे कर सकता है? फर्स्ट स्टेज, एट द स्टेज ऑफ द डेलीगेशन. किस स्टेज पे? एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन. मतलब जब लॉ पावर दे रहा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तब भी कोर्ट आएगा और बोलेगा लॉ तुम ही गलत हो, तुम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अब्यूज, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर जो दे रहे हो वो अब्यूज होगा, या तुम आर्बिट्रेरी पावर दे रहे हो, या तुम ज्यादा औकात से परे पावर दे रहे हो. तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते हैं, हम लॉ को चैलेंज करते हैं. तो देखो लिखा है एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन, लिखा है लॉ कैन बी चैलेंज्ड, है ना, इफ इट इज अ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आप इतना पावर सामने वाले को दे रहे हो कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट हो जाएगा. कैसे? तो इससे बेसिकली अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट होगा. तो अगर कोई लॉ पावर देता है विच इज वेग, आर्बिट्रेरी और इट में वॉयलेट आर्टिकल 14 एंड 19, तो वो लॉ क्या किया किया जाएगा? चैलेंज किया जाएगा. देखो मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, आपको बुक में नहीं मिलेगी. सो इन क्रक्स इट कैन बी से दैट सम टाइम लॉ कन्फरिंग द पावर, मतलब लॉ जो पावर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, रिजल्ट्स इन वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 14 एंड 19. तो कई बार लॉ पावर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को विच कैन रिजल्ट इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. अब देखो लिखा है आर्टिकल 14 क्या है, तुमको दो बात इसमें लिखना है. प्रोवाइड्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एवरीवन इज सेम बिफोर द लॉ और सबको सेम प्रिविलेजेस और बेनिफिट देगा. तो अगर कोई लॉ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये पावर दे रहा है कि यू कैन डिस्क्रिमिनेट आर्टिकल 14 या वॉयलेट आर्टिकल 14, तो वो लॉ गलत है. ये हुआ था स्टेज ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल होगा, वर्सेस अनवर अली के केस में, जहां पे हम लोग लॉ जो है अथॉरिटी को इतना पावर दे रहा था कि वो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होता, तो उस लॉ को चैलेंज किया गया. आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है, जैसे कि हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ये सब था. बट ये फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है. तो अगर कोई लॉ किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दे रहा है जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर्टिकल 19 को वॉयलेट करेगी, लोगों के फ्रीडम को वॉयलेट करेगी, तो उस लॉ को क्या किया जाएगा? चैलेंज किया जाएगा. केस लॉ है डॉक्टर राम मनोहर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. क्लियर है. ये था एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन. इसमें तुमको दो बात लिखना है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19. अब एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज, लॉ बन गया, लॉ तो ठीक पावर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, बट जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पावर को यूज करने लग गया तो अपने पावर को वो मिसयूज किया, अब्यूज किया और आर्बिट्रेरली यूज किया. अब बोलता है ऐसा क्यों होगा कि वो जब उस पावर को यूज किया तब गलत किया? तो पहला हो सकता है अथॉरिटी अपने पावर को अब्यूज किया, दूसरा हो सकता है अथॉरिटी अपना दिमाग ही नहीं लगाया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड. अब अब्यूज कब कब कर सकता है? मैलाफाइड, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज वर्किंग इन बैड फेथ,
यूजेस पावर इन बैड फेथ विथ बैड इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो इसको क्या बोलते हैं? मैलाफाइड. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का वो एक्शन क्या माना जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड, इनवैलिड, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के उस एक्शन को क्वैश कर दिया जाएगा, कैंसिल. कई बार ये लोग इसलिए भी अब्यूज करते हैं, क्यों? इररेलेवेंट कंसिडरेशन. क्या बोल रहे हैं? इररेलेवेंट कंसिडरेशन. तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने पास ऐसा बात को कंसिडर करेगा विच इज नॉट रेलेवेंट एज पर द केस. अब जैसे एक पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, केस टू केस उसको दिमाग लगाना चाहिए, बट इररेलेवेंट बात को ध्यान में ले लिया है. मतलब वो क्या कर रहा है? अपना डिस्क्रिशनरी पावर को अब्यूज कर रहा है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के उस एक्शन को क्या किया जाएगा? विटिएट, मतलब कैंसिल, इनवैलिड. क्लियर है? कई बार ये लोग क्या करते हैं, इररेलेवेंट कंसिडरेशन नहीं, लिविंग आउट द कंसिडरेशन. रेलेवेंट बात को ध्यान में ही नहीं लेते हैं. तो अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज लिविंग आउट द रेलेवेंट कंसिडरेशन, सच एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विल बी ट्रीटेड इनवैलिड. समझ में आ रहा है? आर्बिट्रेरी ऑर्डर. कई बार ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कुछ ऑर्डर देते हैं जो क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी. सच ऑर्डर शैल बी चैलेंज, सच ऑर्डर शैल बी क्वैश बैक. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कुछ ऐसा करे जिससे क्या हो रहा है, इररेलेवेंट कंसिडरेशन वो ध्यान में ले रहा है, रेलेवेंट कंसिडरेशन छोड़ रहा है, मैलाफाइड मैनर में काम कर रहा है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर ले रहा है, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है ना, या कोई भी प्रोसीजर या कोई भी लॉ को नॉन कंप्लाई कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने पावर को मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, एंड सच एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विल बी विटिएटेड, इनवैलिड, वॉइड और चैलेंज्ड. क्लियर है? यहाँ लॉ को चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अथॉरिटी का गलती है. नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड. और कई बार ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना दिमाग ठीक से यूज नहीं करता है. क्यों? तीन कारण हो सकता है. किसी के डिक्टेटरशिप में काम कर रहा है, किसी के बोलने बोलने पे काम कर रहा है, तो दे आर नॉट अप्लाइंग देयर ओन ब्रेन. तो उस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है. इसको बोलते हैं केस लॉ है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोर्धन दास भांजी. नेक्स्ट, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन. अपना फिक्स पैटर्न बना लिया है काम करने का. केस टू केस पैटर्न बदलना चाहिए बट एक फिक्स पैटर्न में काम कर रहा है. ये भी क्या होगा, अपने पावर को एक तरीके से आप गलत यूज कर रहे हैं और मैकेनिकली यूज कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, फिक्स पैटर्न में काम कर रहे हैं और कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं. मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ आप इतना करके जाओ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, 100% मैं आपको बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. ठीक है? बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. ठीक है? वैसे इसमें कुछ कुछ चीज़ें और है लेकिन ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको कराया. बस आप इतना कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, यू विल गेट फुल मार्क्स. 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर है. तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सोचो लेस देन 30 मिनट्स हमने एक चैप्टर कवर कर लिया, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करो. मेरा इतना सा काम करोगे ना आप, अपने ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे ना तो तुमको भी ब्लेसिंग देंगे यार, कि यार ये चैप्टर कितना टफ लग रहा था, 20 से 25 मिनट के वीडियो में कवर हो गया. ठीक है? तो जल्दी से इसको देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा, सो दैट हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले और वीडियोस लेकर हम आएंगे. और बहुत सारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये सब आएगा चैनल पर, इसलिए जल्दी से जाके मोहित अग्रवाल चैनल, MEPL क्लासेस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और फटाफट इन सारे वीडियोज का फायदा उठाओ. थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट. अच्छे से तैयारी कीजिए और नोट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइज़.